ठीक है, चलिए मैं आप पकोड़े बेचूंगी, पकोड़े का ठेला लगाऊंगी और ये तैयार है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है पकोड़े बेचने। सभी श्रोतागणों को मेरी क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम तो बोल दो, जय भीम। वो पीछे चाचा मेरी तरफ देखो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अटेंशन। त्रिशूल और तलवार के दौर में, नफरत और बेईमानी के दौर में हम निकले हैं या इकट्ठा हुए हैं संविधान बचाने की दौड़ में, किताब और कलम बचाने की दौड़ में, अपने आने वाले भविष्य को बचाने की दौड़ में। पागल है ना, पागल हम है? मैं सवाल कर रही हूं, सीधी बात, नो बकवास। मुझे लग रहा है ये मंच इसीलिए है, प्रॉब्लम्स क्या है, हमसे क्या गलतियां हुई हैं और हम हर बार क्या गलतियां करते हैं। अभी मेरे से पहले वाले वक्ता ने बड़ा सही कहा कि जिनको हम जूता मार रहे होते हैं चुनाव से पहले, सीधे जब चुनाव आता है उनके गले में माला डाल रहे होते हैं, ये दोगलापन नहीं चलेगा। यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर फेडरेशन से जो राजेश जी बैठे हैं और मोहित जी बैठे हैं, आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डीसी कपिल जी, एडवोकेट भानु प्रताप जी, महमूद प्राचार्य जी और अन्य जितने भी साथी मंच पे बैठे हैं। मैं ये चार नाम जो ले रही हूँ, मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों कहा सीधी बात नो बकवास। मेरा केस के बारे में आप सारे मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, मेरी लड़ाई के बारे में जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रही है, जिस तरीके से बेमानी छल कपट करके मुझे निकाला गया और वो लड़ाई इस कदर तक पहुंच गई कि इतनी मजबूत हो गई कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मेरा केस चल रहा था उसके लिए धरना प्रदर्शन की बात चल रही थी कि अपनी बहुजन बेटी के साथ, जैसे अभी किसी ने मन से कहा शेरनी के साथ, तो बल देने वाले भी आप ही लोग हो, ऐसा कैसे हुआ? तो प्राचार्य सर ने कहा कि समाज को प्रदर्शन करना चाहिए। तब मैं वहां मौजूद नहीं थी, मैं थी भी नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरे प्रदर्शन की तैयारी की डीसी कपिल जी ने, राजेश जी ने, मोहित जी ने, इनकी फेडरेशन जो है इनकी तरफ से, जिसमें एडवोकेट भानु प्रताप जी ने भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई और मेरे एडवोकेट प्राचा जी भी वहां पे आए। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, वो इतना जबरदस्त प्रदर्शन अभी हाल ही में एक महीना पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ, जिसने सिस्टम को हिलाया, जिसके बाद हमें, मुझे अंदर से खबरें आई कि आपको चुप करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या आपको चाहिए। आप मतलब जैसे देखते ना कि आपको बस आपका मुंह बंद करवाने के लिए, आपको जैसे चुनाव से पहले आपका वोट लेने के लिए लड्डू देंगे, महिलाओं को साड़ी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, है ना, हमारा हम एक लड्डू के चक्कर में, दारू के पहुए के चक्कर में वोट बेच देते हैं। ऐसे ही मुझे भी अंदर से दबाने के लिए ऑफरें आने लगी, तो मैंने एक ही चीज कही कि जॉब नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। तो अब सीधी बकवास, सीधी बात नो बकवास, अब आप लोग भी ये चीज सोचो और हाथ उठा के, अब ये जो राजेश जी, ये जो लड़ाई लड़ते हैं मोहित जी, ये मुझे बताओ किस लिए लड़ते हैं? यहाँ पे कितने बेरोजगार बैठे हैं, हाथ खड़ा करो, पहले दोनों हाथ मैं खड़ा करूंगी, ओ तेरी की, सारे बेरोजगार हाथ नीचे करो, अब हाथ खड़ा करो, केजरीवाल सरकार ने किस किस को रोजगार दिया, लो केजरीवाल सरकार ने किस बेरोजगारी में सबने हाथ खड़ा कर दिया, केजरीवाल सरकार ने किस किस को रोजगार दिया, हाथ खड़ा करो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। फिर हम लोग जिनके पास इतना कुछ है करने को, और ये जो दो महान लोग आप सामने देख रहे हैं, भानु प्रताप जी, एडवोकेट महमूद प्राचा जी, आप मेरे को भी जोड़ लें, हॉकी फेडरेशन के दो महान लोग यहाँ पे बैठे, आप बताएं हम लोग क्यों आए हैं? क्योंकि जो आपकी पीड़ा है ना और जो हमारी पीड़ा है, उसका एक ही चीज है और एक ही विकल्प है कि हमने हर बारी गलती की है, हर बारी भावनाओं में बैठ के बह के, क्योंकि हम लोग बड़े इमोशनल हैं और वो लोग आते हैं हमें इमोशनल फूल बनाते हैं और हम बन जाते हैं। मेरे को नहीं, मेरा भाषण जिसने सुना होगा सुना होगा, मुझे नहीं देना अच्छा अच्छा भाषण, मुझे करनी है प्रैक्टिकल बात। कितना खेलोगे अपने साथ? हम लोग सोचते हैं आज ये आए हमारे सामने अच्छा सूट बूट पहन के बाबू बन के आए, वो बाबू आपको अब क्यों नहीं दिखते? वो बाबू आपकी जब गलियों में पानी बह रहा होता है, बच्चों नाली का पानी सड़कों पे आ रहा होता है, वो बाबू लोग सूट बूट में आपको तब क्यों नहीं दिखते हैं?
आज आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, वो बाबू लोग सूट बूट में आपको तब क्यों नहीं दिखते हैं? ये बाबू ही क्यों दिखते हैं आपको? इनका अगर आप चेकअप करवा लो तो मानसिक संतुलन हिला नहीं है, शायद किसी को लग रहा होगा हिला है जो आके यहां बैठे हैं। तो क्यों बैठे हैं? क्योंकि समाज का दर्द है, दिख रहा है ना कि सब कुछ बिकता जा रहा है। जो ये लोग स्ट्रीट वेंडर लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी बड़ी जल्दी मुझे लगता है आप लोग भी मुझे ठेला लगाए देखोगे। चाहते हो ना, मैंने पीएचडी करी है, अब मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? तो राजेश जी, मोहित जी, मेरे लिए आप लोग हो तैयार? तो फिर मेरे एक ठेले का इंतजाम करो, मैं मन से कह रही हूँ। करोगे? मुझे रोजगार दोगे? मैं तैयार हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती काम करने में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। प्राची सर, आप क्या कहते हैं, तैयार हो? भानु प्रताप सर, तो मुझे रोजगार चाहिए ना, मोदी जी ने कहा है पकौड़े बेचो, मैं तैयार हूँ पकौड़े बेचने के लिए, मेरे को रोजगार दोगे? ठीक है, चलिए मैं आप पकोड़े बेचूंगी, पकोड़े का ठेला लगाऊंगी, और ये तैयार है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है पकोड़े बेचने, उन्होंने तो कह दिया, हमने मान लिया। और सही में ये झूठ बोलते हो, वोट तो कोई देता नहीं आपको, ये देंगे वोट आपको? ये देंगे? ये अभी महफिल में बैठे दोगे? जिसको हम जिसकी तरफ हम ललकारेंगे, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? दिल्ली दंगे हुए, आया केजरीवाल बचाने, तो महमूद प्राची जी क्या कर रहे थे वहां पे? पैसा मांगा किसी से इन्होंने? इनको क्या फीस प्यारी नहीं है? किसी जाओ किसी प्राइवेट वकील के पास, एडवोकेट भानु प्रताप जी और महमूद प्राची जी को छोड़ दो, किसी और वकील के पास जाओ, जो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना, बात बात करने के 10-20 हजार रुपए लेंगे, सिर्फ बात करने के। केस लड़ने के लिए तो 3-4 लाख रुपए फीस है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की, तो ये क्यों कर रहे हैं? तो आप ये चीज सोच कम क्यों कर रहे हो आप? फीस कम कर दी सर, मैं आई एम सॉरी, ठीक है ठीक है, नुकसान कर दी मैंने, फीस कम कर दी, कम बताइए, सॉरी। तो मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ सर, हम पर्ची निकाल देंगे। तो आप सोचो कि आप लोगों को पक्का लगता होगा सर फिर हैं, दिमाग हिल गया जो मुफ्त में काम कर रहे हैं आपके साथ। अब सीरियस हो जाओ, आपके साथ दंगा करवाते हैं, हमारे लोगों को मरवाते हैं। हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ बहाना है, असली में मरवाना दलित आदिवासी पिछड़ों के बच्चों को है। और फिर आपको ना कोई क्यों पता है कि पैसे से हमने छोड़ा तो किसी लायक है नहीं, इनके सारे पैसे को कब्जा लिया है, इनका फंड जो SC ST सब प्लान का पैसा भी है वो भी अपनी जेब में ही रखा है, उसी पैसे से दिल्ली के घर घर में बिजली फ्री, बनियाओं के घर में जिनके पास खूब भर भर के माल भरा हुआ है उनको भी हमारे पैसे से बिजली फ्री पानी फ्री। मांगोगे कि नहीं मांगोगे? अपना अधिकार, मुंडी नहीं हिलानी, मांगना कि नहीं मांगना है? दोनों हाथ उठाओ, मांगना है? तो फिर दोगे वोट अब की बारी बनिया की पार्टी को? दोगे वोट? दोगे है? अगर चाहते हो अपना भला करना, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना, तो सिर्फ सोच के कि इनका भाषण सुन के और घर जाना है और सब कुछ भूल जाना है, ये चीज छोड़ दो। क्योंकि आप लोगों के वोट की वजह से आज ये जो जिसको बहुजन शेरनी कहा जा रहा है, ये पढ़ी लिखी बच्ची बेरोजगार है, क्योंकि ये उनके लिए कॉम्पिटिशन है, उनके लिए थ्रेट है। उनको पता है कि इस बच्ची को झेल नहीं पा रहे हम, ये पकौड़ा बेचने पे तलने पे मजबूर हो गई है। ये आप लोग जो वोट दे देते हैं ना आंखें बंद करके, इस वजह से। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसी अन्य एग्जांपल आपके बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, यही है उनका फ्यूचर, पकोड़े बेचने या पकोड़े तलने। अच्छा एक और चीज आप मुझे बताओ, इस देश में झाड़ू का इस्तेमाल कौन करता है? सफाई कर्मचारी। और सफाई कर्मचारी कौन है? हम लोग हैं। हम लोग है ना, तो मतलब ठेका लिया हमने कलम छोड़ के, आपके महापुरुषों ने जो आपके लिए लड़ाई लड़ी थी ना, वो झाड़ू से छोड़ के आपको कलम दिलवाया था। आप लोग फिर आगे, हाँ झाड़ू का चिन्ह है तो हमारी पार्टी है, दिए भर भर के वोट, सोचो नहीं कुछ भी, दिए ये तो झाड़ू, वो तो मार्केटर है, कब समझोगे? वो तो आपके बाबा साहब की फोटो जाके पंजाब में बेचा है, क्योंकि 32% 33% दलितों की पॉपुलेशन है वहां पे, उसको पता था ये पागल इमोशनल लोग हैं, चलो बाबा साहब की फोटो लगाओ, फोटो का प्रचार, फोटो लगाने से भला हुआ नहीं हुआ ना? तो फिर क्या किया?
ये सोचो कि झाड़ू नहीं, हर बच्चे में हर घर में कलम चाहिए। वो उसी कलम से, झाड़ू आपके हाथों में पकड़ा के उसी कलम से जिस जगह आपने उन्हें बिठाया, हर दिन आपके बच्चों का गला काटते हैं। कैसे काटते हैं? निजीकरण करके। आपके विश्वविद्यालय खत्म हो चुके हैं। पता है आपको, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग सेक्शन है हमारा, जो सफाई कर्मचारियों का तबका है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है कि नहीं चल रहा? किया ठेकेदारी प्रथा, लाए लड़ी आपने लड़ाई? नहीं, बड़ी अच्छी पार्टी हमारी, झाड़ू को वोट देंगे, बड़ी अच्छी पार्टी हमारी। बैठे जो हमारे नेता उसमें सिर्फ झुका के गुलाम बन के, एक भी बंदा आपकी आवाज नहीं उठाता। अगर 90% लोग यहाँ पे बैठे बेरोजगार है, तो फिर आपने सवाल किया? तो अब घर जाके लाला रामदेव की बात समझना, आंखें बंद करना, मेडिटेशन करना और सोचना हमने क्या गलतियां करी हैं, कि अब की बार फिर अगर आप एक भी बंदे को देखो, एक जिसे कहते हैं ना, जब एक स्क्रैच, हमें एक स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, एक छोटे से शुरू करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज से हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। 2024 से पहले हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा। और जो लोग ये समझते हैं ना, बहुत बड़ी सरकार है, आरएसएस से खतरा ये वो, महा तुच्छा संगठन है आरएसएस, आज से ये मान के चलो। कोई नहीं डरना इन डरपोक लोगों से, 3% लोगों से भी 90% लोग डरते हैं क्या? नहीं डरना है। अपनी 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 पावर को समझो, अपनी यूनिटी को समझो, अपने एकता से अपनी बुद्धि में विकास करो और घर जाके सोचो इस चीज को कि हमने किसको वोट देना है, हमारा असली हितैषी कौन है और किसको हमने चुनना है। और जाकर अगर आप इन दो चेहरों पे थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, हल्का सा मेरे पे भी करते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर आपको लगता है आपकी लड़ाई लड़ी है, तो जिसे हम कहते हैं उस पर विश्वास करके देखिए एक बारी, उसको अपना प्रतिनिधि चुनिए और उस पर विश्वास करके इस बारी जो वोट का इस्तेमाल करें वो सही जगह करें। और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ेंगे। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप अब की बारी आए हैं अकेले, अगली बारी मेरी हाथ जोड़कर एक महिला होने के नाते आपसे विनती है, अपने घर की बहन बेटी को भी लेकर आए बाहर, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वोटर वो भी है, असली वोटर वो भी है, क्योंकि जब तक ऐसी मीटिंग्स में, थैंक यू, ये महिला एक पीछे बैठी है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन आप आई हैं, दो तीन जो भी मंच पे भी बैठी हैं और पीछे भी बैठी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि इसका मतलब अभी हमें जागरूकता बढ़ रही है और हम फाइट कर सकते हैं ना। तो आप 5 आई हैं, अगली बारी कोशिश करें 10 और लेकर आए, क्योंकि हम ही, बाबा साहेब ने असली लड़ाई हमारे लिए लड़ी थी और हमारे लिए। आप बाबा साहेब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा असली काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया था। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने समाज की महिलाओं को आगे लेकर आने की। और अगली बारी इस मीटिंग में 50-50% भागीदारी होनी चाहिए, 50% यहाँ महिलाएं बैठे और 50% यहाँ पुरुष बैठेंगे, और हम सारे मिलके इनका झाड़ू हटा के उस जगह कलम लेकर आएंगे। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।